गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, मैं मध्यकालीन शिक्षा के बारे में बताई थी, उसी कड़ी में मैं आज आप लोगों को आधुनिक शिक्षा के बारे में बताऊंगी। आधुनिक शिक्षा के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सी ऐसी शिक्षाएं हैं जो अभी तक, मतलब जब से शुरू हुआ, अगर आप पुर्तगालियों को ले, डच को ले, तो इन लोग फ्रांसीसियों को ले, तो ये लोग भी आए, तो यहाँ पे शिक्षा प्रारंभ किया। लेकिन हमको पढ़ना सिर्फ उतना ही है जितना आपके सिलेबस में दिया हुआ है, यानी डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर में जो जो टॉपिक दिया हुआ है उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो आधुनिक शिक्षा के बारे में अगर हम बात करें तो हम 1813 से उठाते हैं। 1813 के आज्ञापत्र से इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। यहाँ आपको एक जानकारी दे दें कि कंपनी जो 16वीं शताब्दी में हमारे यहाँ आई थी, 1600 ईस्वी से यहाँ पे कार्यरत थी। प्लासी के युद्ध के बाद लगभग अंग्रेजों का आधिपत्य धीरे धीरे सभी क्षेत्रों पे होने लगा था। तो जहां जहां इनका आधिपत्य था वहां वहां कंपनी में कार्य कर रहे वर्करों के लिए, कर्मचारियों के लिए कुछ न कुछ व्यवस्थाएं की गई थी। खास बात तो ये थी कि इनको भी आवश्यकता थी कुछ पढ़े लिखे लोगों की जिनको अंग्रेजी आ सके, तो इसलिए यहाँ पे यह अपने धर्मों का प्रचार प्रसार तो कर ही रहे थे, व्यापार तो कर ही रहे थे, लूटपाट तो कर ही रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ यह भी कर रहे थे कि शिक्षा के मामले में, शिक्षा के लिए भी बहुत कुछ कर रहे थे। जहाँ जहाँ कंपनियाँ लगी हुई थी वहाँ वहाँ पे इन्होंने छोटे छोटे विद्यालयों का निर्माण किया था जिससे कि अंग्रेजी शिक्षा दी जा सके और उनको कर्मचारी जो कार्य करते हैं उनके बच्चों को शिक्षा भी दे सके, साथ साथ अपने धर्मों का भी प्रचार प्रसार कर सके। यह ईसाई मिशनरियों का कार्य था, लेकिन उसके पहले भी एक नियम बनाया गया था कि भारत की शिक्षा के ऊपर जब इन्होंने विशेष ध्यान देना शुरू किया था तो इसमें प्रत्येक 20 वर्ष के लिए एक नियम बनाया था और उस अनुच्छेद के कारण वह प्रत्येक 20 वर्ष तक उसी पे नियम पे कार्य करते थे। यहाँ उसी नियम के बारे में हम आप लोग को बता रहे हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है कि प्रत्येक 20 वर्ष के पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र क्या था कि किसके लिए कितना खर्च किया जाना चाहिए। तो यहाँ शिक्षा की बात हुई तो हम शिक्षा के बात में ही करेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र का पुनरावर्तन का समय काल आ गया। उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 1813 के आज्ञा पत्र में, यानी कि जो नियम बनाया गया था 1813 के आज्ञा पत्र में, एक विशेष धारा जोड़ दिया गया। यह धारा क्या था, यह लिखा है साहित्य के पुनरुद्धार और समृद्धि के लिए। यह मुख्य पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, साहित्य के पुनरुद्धार और समृद्धि के लिए भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए और भारत में ब्रिटिश प्रदेशों के निवासी, यानी कि जो बाहर से आए थे ब्रिटिश लोग जो थे, ब्रिटिश प्रदेशों के निवासियों में विज्ञान के ज्ञान और विकास करने के लिए प्रतिवर्ष कम से कम 1,00,000 रुपये की धनराशि व्यय की जाएगी। यह तो उसमें जोड़ दिया गया था, यानी कि जो पहले से नियम बनाया गया था उस नियम के अंतर्गत इस नियम को भी एक जोड़ दिया गया था और जो धनराशि पहले तय की गई थी शिक्षा पे उसमें 1,00,000 रुपये और एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया था। तो यह 1,00,000 रुपया ही इस शिक्षा के विवाद का कारण हो गया। अब यहाँ आपने पूरे पॉइंट को देख लिया तो इसमें क्या था, साहित्य सर और जैसे यहाँ हमने लिखा है कि भारतीय साहित्य और विद्वान, यही दो शब्द ऐसे थे जिसके लिए यह पूरा विवाद इस आज्ञा पत्र का पुनरावलोकन किया गया, इस पे विचार किया गया और ये बहुत लंबे समय तक इसका विवाद चला। यहाँ पे दो गुट थे, एक पाश्चात्यवादी एक प्राच्यवादी, यानी कि जो यहाँ के संस्कृतियों के समर्थक थे और एक जो अंग्रेजी के समर्थक थे। तो दोनों गुटों में विवाद होने लगा कि आखिर में यह 1,00,000 रुपया हम साहित्य और भारतीय विद्वान इसमें किसको रखेंगे। साहित्य में अंग्रेजी भी आता है, संस्कृत भी आता है, हिंदी भी आता था, अब उर्दू भी, फारसी भी।
दिया था। तो यह साहित्य किसके ऊपर प्रश्न है? भारतीय विद्वान पे, भारत में अंग्रेजी विद्वान जो रह रहे थे वो, कि भारत के जो विद्वान थे यानी मूल निवासी जो भारतीय थे वो, ये दोनों शब्द बिल्कुल अस्पष्ट थे, अस्पष्ट थे। अस्पष्ट होने के कारण यह विवाद उत्पन्न हो गया था। इस विवाद के पश्चात विवाद के कारण जब पश्चात विवाद उत्पन्न हुआ तो यह इतना उग्र होता चला गया कि इसके लिए एक समिति का भी गठन कर दिया गया था, लोक शिक्षा समिति, और इसी समिति के द्वारा इस विवाद को खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ था। तो यहाँ आपको बता दें कि प्राचीन पश्चात विवाद के कारण क्या थे, 1813 के आज्ञा पत्र की 43वीं धारा, यह ये नाम है 1813 के आज्ञा पत्र की 43वीं धारा में भारतीय शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी के ऊपर तो रख दिया गया था। 1,00,000 रुपए की धनराशि भी तय करने की बात कर दी गई थी, परंतु यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि यह साहित्य जो 1,00,000 रुपए की बात की वह साहित्य किसके ऊपर, साहित्य भारतीय विद्वान में किसके ऊपर खत्म खर्च की जानी चाहिए। इसलिए यह प्राच्य और पश्चात विवाद उत्पन्न हुए। प्राच्य क्या है अभी बताया आपको, जो प्राच्य जो भारतीय संस्कृति भाषा के समर्थक है, पश्चात जो अंग्रेजी भाषा और साहित्य के समर्थक है। तो यह दो गुण था, इन दो गुणों को जब दो गुण आपस में बढ़ गए, वैसे पहले ही से बढ़े थे, तो यह विवाद समय के साथ बढ़ता चला गया। यहाँ हम लिखे भी हैं प्राच्यवादी दल, तो प्राच्यवादी दलों के अंतर्गत हमने लिखा है कि इस दल में हमारे पुराने, जैसे कंपनी के जो पुराने हमारे यहाँ रहने वाले अनुभवी कर्मचारी थे वह थे, इनका क्या नाम था, बॉयल, हेस्टिंग्स और जानेखन डंकर। एक बात और की ध्यान दीजिएगा कि यह दोनों जो थे बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, यह जानते थे कि अगर हम आधुनिक शिक्षा देते हैं, पश्चात शिक्षा देते हैं, तो यहाँ भारतीयों के मन में एकता के भाव उत्पन्न होने लगे। इसलिए इन्होंने जैसे भारत की जनता को कई गुटों में बांट के कार्य करने की बात सोची थी, क्योंकि यह वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। कलकत्ता मदरसा की स्थापना करने के पीछे इनका बहुत बड़ा उद्देश्य था, यह था कि इस मदरसा में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम छात्रों को ही शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि यह उर्दू और फारसी की शिक्षा दी जाती थी, अरबी की शिक्षा दी जाती थी, इसलिए यह मुस्लिम बालकों के लिए ही विशेष था। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1781 में। और जानेखन डंकर जो कि उसी के प्राच्य के ही थे, तो यह भी क्या कहते थे कि यह बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी, और यह कॉलेज की स्थापना 1791 में की गई थी। इसकी भी यह खासियत थी कि इसमें संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी, और संस्कृत की शिक्षा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे यानी कि भारतीय छात्रों को जो हिंदू थे, हिंदुओं के लिए कॉलेज बना था, आप इसको कह सकते थे कि हिंदुओं के लिए कॉलेज बना हुआ था। तो ये क्या था, दोनों यहाँ पे मुस्लिम वर्ग को बांट दिया गया या हिंदू वर्ग को बांट दिया, दो वर्गों में हमारी भारतीय जनता को बांटा हुआ था। तो ये बहुत बड़े, आप इसी से पता कर सकते हैं कि ये बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे। इसलिए चाहते थे कि यहाँ की जो भारतीय साहित्य और भारतीय विद्वान है ये भारत के पक्ष में कि संस्कृत को अलग मिलना चाहिए और हिंदी को अलग मिलना चाहिए, उर्दू को अलग मिलना चाहिए, तो ये इसके पक्ष में थे। और जबकि अगर हम इनके बारे में बात करें पाश्चात्यवादियों के, तो पाश्चात्यवादी चाहते थे कि नहीं, यह पैसा अंग्रेजी शिक्षा के ऊपर खर्च हो जाए, न कि भारतीय विद्वान और भारतीय साहित्य के ऊपर। इसके भी कारण थे, इन दोनों लोगों के कारण तो जान लिए, इसके कारण थे पाश्चात्यवादियों के कारण थे कि यह कंपनी में कार्यरत नौ युवक थे और यह चाहते थे कि हमारे यहाँ अंग्रेजी की शिक्षा उतनी ही दी जाए जितनी उनको आ सकता है, यानी कि भारतीय जनता को, भारतीय छात्रों को उतनी ही शिक्षा प्रदान की जाए जितनी उनकी आवश्यकता है, यानी कि बाबू वर्ग, लिपि वर्ग की स्थापना हो सके। इसलिए यह कहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा के ऊपर यह सारा धन व्यय किया जाए। यह इनका मुकाबला, यह अंग्रेजी को चाहते थे
पश्चात प्रचलादी अंग्रेजी और हिंदी के बीच में यह विवाद उत्पन्न हुआ। तो दोनों अपने स्वार्थ में लगे हुए थे, यह चाहते थे कि हाँ यहाँ की जनता तो शिक्षित हो, लेकिन सिर्फ उतनी ही जितनी इनकी आवश्यकता है। और पाश्चवादी चाहते थे कि यहाँ प्राच्यवादी कि यहाँ की जनता अपने संस्कृतियों को जाने, अपने मूल धरोहरों को जाने, लेकिन वह अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान से इन क्षेत्रों से बहुत दूर रहे ताकि भारत की जनता को बाकी आराम से यहाँ पे शासन कर सके। तो आपने देखा ये शिक्षा के अंदर भी राजनीतिक नीतिज्ञ का कार्य कर रहे थे। यहाँ आपको बता दें कि यह विवाद 1834 तक चला, 1834 तक यह विवाद चला, 13 से लेके 34 तक यह विवाद चला। और यह 1,00,000 रुपये किसी भी चाहे वह अंग्रेजी हो या भारतीय साहित्य हो या भारतीय विद्वान हो, किसी के ऊपर भी खर्च नहीं हो पाया। फिर उसके बाद यहाँ जब 1835 में एक समिति का गठन किया गया था जिसे हम लोक शिक्षा समिति का नाम देते हैं, तो इस समिति के मंत्री जो थे वह इन दोनों गुटों में सुलह करने के उद्देश्य से तत्कालीन गवर्नर जनरल, उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम बैंकिंग जो थे उनके सम्मुख प्रस्तुत किया गया। और यहीं से इस पैसे के ऊपर, इस धन के ऊपर, इस धनराशि के ऊपर व्यय करने का विचार शुरू हुआ। इसके लिए अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक का पत्र। अब इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से इस धनराशि को और इस विवाद को खत्म किया गया था और आगे इस पैसे को कैसे इन्वेस्ट किया गया था, इस धनराशि को किसमें खर्च किया गया था। लेकिन इसमें आपको बता दें कि यही एक कारण था जिससे हमारी शिक्षा, भारतीय शिक्षा, आधुनिक शिक्षा जो भी माना जाता है शुरू हुआ था। इसके पहले भी बहुत सी शिक्षाओं के बारे में हमने बताया है कि यहाँ पे ईसाई पुर्तगालियों ने भी यहाँ शिक्षा व्यवस्था की थी, लेकिन वह सिर्फ वहीं पे करते थे जहाँ पे उनकी कंपनियाँ लगी हुई थी, बाकी सारे क्षेत्रों में नहीं। लेकिन जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे वह हमारे भारत में जगह जगह पर शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन वह भी अपनी स्वार्थ पूर्ण नीति के कारण। ये नहीं था कि वह खुश होकर ऐसा कर रहे थे, नहीं, वह सिर्फ अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस शिक्षा के बारे में कार्यरत थे। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसका बेनिफिट, इसका फायदा हम भारतीयों को मिला है। आज के वीडियो में इतना ही।